ये चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए भी, यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए भी इनको किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े हैं, जिसके लिए भी अब खासकर पीएम श्री नरेंद्र मोदी को व इनके नंबर वन के चेले श्री अमित शाह को भी यहाँ घटिया व निचले स्तर की राजनीति भी करनी पड़ रही है दूसरे और तीसरे नंबर पर भी आने के लिए, जिससे चुनाव में इनको फायदा कम और नुकसान ज़्यादा ही पहुंचने वाला है। और इस क्रम में अपनी चुनावी जनसभा में श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वे अति शर्मनाक व इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। जबकि इनके बारे में सच्चाई यही है कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता, अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है। और इस बात का इनका अपना खुद का गुजरात स्टेट इसका खास गवाह भी है, जिसे ध्यान में रखकर भी अब आप लोगों को बीजेपी के इस कसाब का अर्थात यहाँ आतंक का राज कतई भी नहीं आने देना है। और अब आपको इस चुनाव में इनका यानी कि बीजेपी का बिहार प्रदेश से भी काफ़ी बुरा हाल करना है, काफ़ी बुरा हाल आप लोगों को करना है। और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं, और अब इस चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के सुनामी वाले ही काफ़ी बुरे दिन आने वाले हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का खात्मा कर दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा, और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें बरसों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा।